क्यों? आप ही तो चाहते थे ना कि नताशा राजी से शादी कर ले, पर अब क्या तराज है? तब बात और थी, तब हमारी बच्ची गैर शादीशुदा थी, अब वो तलाकशुदा है। हाथ हो गई है सफदर, अगर आप ही अपनी बेटी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो औरों को तो शह मिलेगी ना। मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ शीना, और मैं आपको आंखों देखा सच बता रही हूँ। नताशा अब राजी से मोहब्बत करने लगी है, उसने खुद मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं। तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए, या आपा से बात करने से पहले कम से कम मुझसे तो बात कर लेनी चाहिए थी तुम्हें। क्यों मैं आपसे बात करती, जब आपकी बेटी किसी को पसंद करती तो उसमें हर्ज ही क्या है? और अब तो वो आपका ही अपना भांजा राजी है, जिससे आप हमेशा शादी कराना चाहते थे। अच्छा, ये तुम कह रही हो, जिसे दुनिया भर की खामियां राजी में नजर आती थी। अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैंने ये कड़वा खून भी पी लिया है। अब कोई फायदा नहीं, हालात बदल गए। कोई हालात नहीं बदले, अभी भी वो हमारे एहसानात तले दबे हैं। बस कर दो शीना। मुझे आप ये बात बताएं, वो नताशा को रिजेक्ट करके क्या प्रूव करना चाहेंगे? उनके पास जो भी है ना, वो हमारा दिया ही है। तुम बात को बढ़ा रही हो, मैं नताशा से खुद बात करूंगा कि ऐसा नहीं सोचते और ऐसी जिद नहीं करते। ये उसकी जिद नहीं, उसकी ख्वाहिश है। कुछ भी है, चाहे ख्वाहिश या जिद, दोनों सूरतों में मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। जो चीज मुमकिन नहीं है तो नहीं है। रही बात नताशा की, तो मुझे दुनिया की हर खुशी से ज्यादा उसकी खुशी अजीज है, क्योंकि मेरी वो अकलौती बेटी है। ठीक है, बात करके देख ले, नहीं मानेगी। राजी, तुम मुझसे इसलिए शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक डिवोर्सी हूं, है ना? तुम्हें इनकार करने का हक है राजी, कि तुम मुझे खुद बताओ, मेरी एक गलती की वजह से मैं अब जिंदगी में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती हूँ, मैं अच्छी लाइफ गुजार ही नहीं सकती। ताशम, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा तो अपना लो ना मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजी। कैसी बातें कर रही हो तुम, सुनने के लोग? आई डोंट केयर, मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं है। एक्चुअली मुझे अपनी भी परवाह नहीं है। तुमने अगर मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। And I'm damn serious about it. Please ऐसा मत करो, what nonsense यार। क्या बच्चों वाली हरकत है ये, क्या बदतमीजी है ये? बच्चों वाली हरकत नहीं है, मैंने तुम्हें बोला ना, I love you and I cannot live without you. साशा, प्लीज अकल से काम लो। तुम मिनट के लिए नीचे उतरो, हम प्यार से बात करते हैं ना। हाँ, क्या बात करेंगे? नताशा, कोई अंदर नहीं आएगा। नताशा खोलो, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। नताशा, मुझे नहीं। नताशा क्या कर रही है, क्या हो रहा है ये? अरे नताशा नीचे उतरो, गिर जाओगी। नताशा, बाबा आप मुझे मत रोके, मैं आज अपनी जान ले लूंगी। हसी मुझसे प्यार नहीं करता, उनसे शादी नहीं करेगा और मैं उसके बगैर रह नहीं सकती हूँ। नताशा प्लीज प्लीज कोई ऐसी हरकत मत करना। देखो मैं राजी से बात करूंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस वो तुमसे शादी करेगा। देखो प्लीज प्लीज नीचे आ जाओ। मामा प्लीज स्टॉप लाइंग टू मी, पप्पा भी नहीं चाहती है तो। बेटा बेटा मुझ पर रहम करो प्लीज, ऐसी हरकत मत करो, प्लीज नीचे आ जाओ। मामा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं राजी के बगैर नहीं रह सकती। मैं उसकी पसंद के मुताबिक अपने आप को ढाल लूंगी, लेकिन वो नहीं मान रहा। पापा अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। बेटा राजी,
मसले तो नहीं सही, लेकिन तुम इस मसले को सॉल्व करो बेटा। नताशा, ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। मुझे पता है तुम मुझे सेफ बचाने के लिए सारी बातें कह रहे हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए रिंग भी लेके आया हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अब तो उतर जाओ प्लीज। नताशा प्लीज उतर जाओ, बात मान लेते हैं बेटा। नताशा प्लीज, मैं आ रही हूं। नताशा, मैं तो बहुत खुश हूं। अगर सालिक भाई ने अपना हाथ तुम्हारे सर पे रख दिया ना, तो बिजनेस वर्ल्ड में तुम सफदर अंकल को बीट कर दोगे। अबे तू क्या बोले जा रहे हो यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, हंसता तो छोड़ो, एक तो हर बात पे हंसना शुरू कर देता है भाई। आई एम सीरियस, तुमने देखा नहीं था उस बंदे को 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर 10% प्रॉफिट दिया था। यार काश इतने पैसे मेरे पास होते यार, मैं बैठे-बैठे कमा रहा होता। I mean the guy seems legit. Yeah, of course he is. बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं 5 करोड़ तुमसे ले लूं और सालिक के पास इन्वेस्टमेंट छोड़ दूं। मुझसे उधार? ओ यार दोस्त के लिए इतना भी नहीं करेगा यार। हैं? भाई सोच, think about, do the math. 5 करोड़ में लूंगा, उस पे 50 लाख का प्रॉफिट आएगा, है ना भाई? आहिस्ता आहिस्ता करके लौटा दूंगा यार तेरे पैसे। राजीव, आई एम रियली सॉरी, अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम आजाद हो अपनी पसंद की, अपनी चॉइस से शादी करने के लिए। रिया ऐसे कैसे अपनी बात से फिर सकता है? इसने खुद ही घर पे कहा था वो तुमसे शादी करेगा, अंगूठी भी लाया था तुम्हारे लिए, पहनाओ ना इसको अंगूठी। फिर इसकी जरूरत नहीं है शीना, हमारी बच्ची को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। मुझे अपनी बेटी पे फख्र है, जीती रहो बेटा, और आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना प्लीज। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मेरा बेटा अपनी जबान से नहीं फिरेगा। इसने अगर शादी के लिए कहा है तो जरूर करेगा। हाँ अंगूठी पहनाओ।
राजी तो मैं भी। इधर सब कहाँ हैं? इतनी खामोशी क्यों घर पे? हॉस्पिटल में। What? हॉस्पिटल में भाई? सब ठीक है? मामा और बाबा कैसे? बताओ ना आदिया क्या हुआ है? नताशा टेरेस पे गिर गई थी। What? कैसे और अच्छा किस हॉस्पिटल में? मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? अपना फोन तो चेक करें, कितनी कॉल्स और मैसेजेस किए मैंने आपको। मेरा फोन बंद हो गया था। अच्छा बताओ किस हॉस्पिटल में? भाई तुम घर टिको ना तो तब तो मैं पता चले, तुम घर पे होते ही नहीं। बाबा वो सॉरी फोन बंद था। तो तुम ठीक हो? क्या हुआ है? ज्यादा चोट तो नहीं आई इसको? I'm good. नहीं बस थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हुआ है। बैठो नताशा। हाँ हफ्ते 10 दिन तक ठीक हो जाएगी, लेकिन जो दिमाग में खलल था वो पूरा हो गया। मतलब? मतलब ये कि तुम इसकी चोट की अभी फिक्र नहीं करो, तुम उसको बस मुबारकबाद दो। किस बात की? हमने नताशा और राजी की मंगनी कर दी है। What? नताशा और राजी की मंगनी मतलब कैसे? मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मगर ऐसा हो गया। तुम्हारों को यार, तुम्हारा होने वाला बहनोई हूं, अब तो तुम्हें मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। मुझे एतराज है इस मंगनी से। मगर फैजान तुम्हें एतराज करने का कोई हक नहीं है। जब मामा बाबा फूफो मेरी खुशी में खुश है तो तुम भी मेरी खुशी में खुश रहो। नताशा ठीक कह रही है बेटा, उससे बहस मत करो, जो कहना है मुझसे बात करो और बहन की खुशियों में शरीक हो।